क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थी, आज हम वार्षिक परीक्षा का आपका मेंस का पेपर समझेंगे। पूरा पेपर में अच्छे से आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि जब परीक्षा हाल में ये पेपर आपको दिया जाए तो आप अच्छे नंबरों से पास हो। चलिए तो देर ना करते हुए फटाफट से बढ़िया से इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखिए, ए की पावर है एम इंटू ए की पावर है एन। जब आपकी संख्याएं एक जैसी होती है तो आपने एक शब्द सुना होगा कि गुना में जो होती है घात जुड़ती है। क्या होता है? गुना में घात जुड़ती है। तो ये जो आ नंबर का रहेगा वो एकदम राइट रहेगा कि ए की पावर जाएगी एम प्लस एन। जैसे यहां पर दो की घात तीन है और यहां पर दो की घात दो है, तो हम क्या करेंगे, इस दो को एक बार लिख देंगे और दो की घात तीन प्लस दो यानी दो की घात पांच आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, इस तरह कैसे होगा? बहुपद पी एक्स, बहुपद जो है पी एक्स इक्वल है टू एक्स प्लस फाइव, इसका शून्यक आपको ज्ञात करना है। देखिए, शून्यक ज्ञात करने का बेस्ट तरीका बताता हूं मैं, बराबर के उधर आपको जीरो लगा देना है, तो इक्वल हो गया जीरो। अब ये जैसे उधर जाएगा तो एक्स के बराबर, देखिए माइनस का पांच हो गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, है ना, प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया और बटे में आ गया दो, तो माइनस का पांच बटा दो यानी बा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अच्छा, अगला देखते हैं क्या बोल रहा है। तीसरा, वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। देखिए, जब भी वाई अक्ष पर स्थित रहेगा तो बिंदुओं की भुज, भुज का मतलब होता है एक्स का मान, और एक्स का मान जो रहेगा वो रहेगा शून्य। कब? यदि वाई अक्ष पर है तो। ध्यान से समझिएगा बेसिक को, बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है आपका, ठीक है, तो टेंथ में भी आप अच्छे नंबर से पास होंगे, है ना। और बेसिक ही कंप्लीट नहीं हो पाया तो बिल्कुल आप कमजोर रहोगे। रट के कोई सी भी चीज अपन नहीं करेंगे, और जिसको रटना है वो स्किप कर करके आगे कर सकता है। यदि आप चाहते हैं लंबी रेस का घोड़ा बनना तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, धीरे धरना पड़ेगा, अच्छे से वीडियो को समझना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, जैसा लगे उचित करिए। तो मैंने क्या बताया आपको कि वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है। वाई अक्ष पर रहेगा तो एक्स का मान शून्य रहेगा। यदि यहां पर वो एक्स अक्ष बोले तो वाई का मान शून्य होगा, और वाई के मान को हम कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं? वाई के मान को अपन कहते हैं कोटि और एक्स के मान को कहते हैं भुज। तो जब वाई अक्ष बोले तो भुज शून्य होगी, और जब एक्स अक्ष बोले तो कोटि शून्य होगी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? समबाहु जो होता है ना उसका 60 डिग्री होता है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज है उसमें तीन कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और समबाहु का मतलब क्या है? सारी भुजाएं बराबर है, बराबर एंगल वाले हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। किस पर करते हैं? 90 डिग्री पर। अगला है वर्ग 90 से 120, इसका मतलब होता है से, जो माइनस की तरह है ना, 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है। अच्छा, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ दो, जो पहला है वो निम्नतम सीमा रहती है, दूसरी उच्चतम सीमा। अच्छा, ज्यादा नहीं, डिटेल नहीं पढ़ना है, तो आप क्या करो, दोनों को जोड़ दो, यानी कि 120 प्लस 90 और बटे में दो का भाग दे दो, तो ये आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जीरो की जीरो और नौ बारह, देखिए नौ दो ग्यारह हो गया, हासिल आया एक, ये 21 हो गया, और बटे में कितना जाएगा? दो आ जाएगा। जैसे काटोगे दो एक अन्ना दो, भागनी आज इसकी जीरो और दो पंजे दस, 105 एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती है। कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अनंत। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को, जो बहुपद में सबसे बड़ा घात वाला घातांक है उसे ही हम कहते हैं बहुपद का घात। यानी कि यहां पर मैंने जो लिखा है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, अब यहां पर सबसे बड़ा जो है वो कौन है घात में? x की घात 3, यही बोल रहा है, तो यही बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसकी घात भी कितनी है? 3 रहेगी। कोण बनाने वाली दोनों किरणें, ठीक है, कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेस कहलाती है, उस कोण की भुजा।
ठीक है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr² h। ठीक है भैया, अच्छे से समझिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं। आ शून्य अचर बहुपद की घात सदैव होती है, तो इसकी जो घात होती है ना अशून्य, यानी कि इसकी घात है ना शून्य ही होगी, यानी शून्य बहुपद की घात भी कितनी भी शून्य। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर, जो समांतर चतुर्भुज होता है समांतर समान अंतर, इसका जो विकर्ण है परस्पर क्या कर देते हैं, समद्विभाजित करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला देखिए। रेखाएं संपाती हो, जब रेखाएं संपाती होती है तो अनंता अनेक हल होते हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो एकादित्य हल होता है, और जब रेखाएं समांतर हो तो कोई भी हल नहीं होता है। ये तीन शब्द याद रखना है। रेखाएं यदि संपाती है तो उस कंडीशन में अनंता अनेक हल होंगे, रेखाएं समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं प्रतिच्छेदी हो या प्रतिच्छेद करे तो एकादित्य हल होगा। एक शांत रेखा दोनों ओर, ठीक है, अनुवांशिक कप से बढ़ाई जा सकती है, अनुवांशिक रूप होगा ये, है ना, यहाँ पर अनुवांशिक रूप से बढ़ाई जा सकती है, दूसरा होगा 90 डिग्री के बराबर कोण वाला कोण, 90 डिग्री जिसका रहेगा उसे अपन कहते हैं समकोण, 90 से कम, ध्यान से समझिएगा, 90 से कम वो हो जाएगा पूरक कोण, 90 से अधिक, ठीक है, 90 से अधिक जो हैगा वो आ जाएगा आपका, ठीक है, 90 से जो अधिक वाला है उसे हम कहते हैं, तो वहां 90 से अधिक वाला कहलाएगा आपका अधिक कोण, लेकिन ये क्या कहलाएगा आपका 180 डिग्री तक, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखना है, एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है तो वो रहती है आपकी समांतर रेखाएं, और भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो करनी 3 ए की ए स्क्वायर बटा 4, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी वो हाँ ना तीसरा नंबर चौथा हो गया पांचवा जाएगा, ये सही तो है। और 1/3, 1/3 को यदि आप दुगुना करोगे ना, दुगना दुगना यानी कि 1 का 2 कर दो, 3 का 6 कर दो, तो यह जाएगा आपका सीधी सी बात, तो ये कौन सा आपका छठा आ जाएगा। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो निकाय का हल होगा आद्वितीय हल, व्रत की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, व्रत का व्यास कहलाती है, कहलाती है व्यास। त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हिरोन का सूत्र क्या है, ठीक है, हिरोन का जो सूत्र है वो आपका रहेगा, हिरोन का जो सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका s -a s -b s-c ये रहेगा, ठीक है, जहां s का जो मान रहता है वो a+b+c/2 होता है। अगला देखते हैं, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परिता घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है, तो वो यदि कोई अर्धवृत्त है उसके चारों ओर घुमाएंगे तो ठोस गोला बनेगा, ठोस क्या कहलाएगा आपका, गोला कहलाएगा। दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है, बराबर गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 4 πr²
सत्य असत्य, यहां से देखिए करनी तीन जो एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य बात है। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं, ठीक है, तो संगत भुजाएं बराबर हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी सत्य हो जाएगा। वर्ग के विकिरण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, नहीं। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण के गुणनफल के बराबर होता है, ये भी आपका असत्य रहेगा। और अंतिम जो है वो आपका, ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप, संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण बारंबारता सारणी कहलाता है, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। एक बटा करनी सात के हर का परिमेयकरण करिए, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि इसका इंटू कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो ये जाएगा करनी सात बटा सात, ये आपका हर का परिमेयकरण हो गया। बस सिंपल सिंपल सवाल आएंगे आपके परीक्षा में, ठीक है, आपको अच्छी मेहनत करना है। ये सारे सॉल्यूशन यदि आप देखना चाहते हो और आप कहोगे तो मैं बिल्कुल इनके वीडियो बना दूंगा। यहां पर देखिए 3.5 के भुज और कोटि बताइए। भुज कहते हैं अपन एक्स वाले मान को और कोटि कहते हैं वाई वाले मान को, तो भुज बताइए। भुज यहां पर हो जाएगा आपका 3 और कोटि जो रहेगा वो आपका रह जाएगा 5। ये सिंपल है, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो शून्य के लिए क्या करते हैं 2x + 5 = 0। अब 0 कर देंगे तो x बराबर पे माइनस का 5/2 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हो गया। 18 के बाद में यहां से अपन देखते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन 19 हो गया है, ये क्वेश्चन 20, ये इसका थोड़ा है, क्वेश्चन 21 और 22 और ये अंतिम 23। टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 ही क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर बता भी दिए हैं। तो ये मैंने आपको क्लास 9th का सेट सी समझाया है, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर बता दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको, यहां से आप देख सकते हैं, सेट ए बताया था, सेट बी भी बता दिया है सॉल्यूशन के साथ, अंतिम रहेगा सेट डी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन सबकी, या फिर आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लीजिएगा, चाहे मैथ्स हो साइंस हो, घबराना नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। अच्छे से मेहनत करिए, 9th क्लास में आप अच्छे नंबर प्राप्त करो, यही हमारी आशा है, यही हम चाहते हैं हमारी। चाहे आपको लगे कि ये चैनल आपके लायक है तो आप चैनल पर पहली बार होना तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अभी तक नहीं किया तो जरूर करके जाइएगा। ये मेहनत किन के लिए कर रहे हैं, आपके लिए, और आप ही हमारा साथ नहीं दोगे तो बताइए मेहनत हमारी भी बेकार जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।